कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा में रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन प्रभारी सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के द्वारा जान से मारने को लेकर धमकी भरा पत्र आया, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धमकी भरा पत्र उर्दू में लिखा हुआ है। परमपुरवा के रहने वाले SRA पब्लिक स्कूल संचालक व सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल हसन मजीदी बीते कुछ महीने से PFI को बैन किए जाने की मुहिम चला रहे हैं। नवंबर 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर PFI को बैन किए जाने की मांग की थी। उसी कड़ी में बोर्ड के द्वारा #PFBan ट्रेंड कराया गया था। काफी समय तक #PFIBan ट्विटर ट्रेंड में बना रहा था। इसके साथ ही बोर्ड PFI को बैन कराने के लिए लगातार मुखर है तथा सोशल मीडिया पर भी बैन किए जाने की मांग कर रहा है, जिसके बाद सोमवार को उनके घर में एक पोस्ट आया, जिसे जब उन्होंने खोलकर देखा तो पत्र PMI की तरफ से भेजा गया था। कौसर हसन मजीदी के मुताबिक पत्र उर्दू में लिखा हुआ है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने स्वयं पत्र पढ़कर बताया कि पत्र में लिखा है कि पिछले कई महीने से तुझे बराबर समझाया जा रहा है, लेकिन तू और तेरा सफी इस्लामी बोर्ड अपनी कारकर्दगी तब्दील ही नहीं कर रहा। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि PFI कौम को मजलूमों और कमजोर लोगों की पहचान है, कोई खास मसलक की तंजीम नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज है। तेरे जरिए बार बार ऐसे काम किए जा रहे हैं जो भाजपा और संघ करती है। कभी तू उलमा के खिलाफ लिखता है, कभी दावत इस्लामी के खिलाफ तहरीर चलाता है। अब तेरा हाथ PFI तक पहुंच गया। हजरत सरवर निश्ती साहब का पुतला फूंक कर तू ये समझ बैठा है कि दुनिया फतह कर ली। अभी भी वक्त है, समझ जा, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो गद्दारों का होता है, यानी जिस्म से सर जुदा हो जाएगा। इस खत के जरिए तुझे आगाह किया जा रहा है कि अभी भी मौका है। इसके अजय भी कहा गया है कि तौबा कर और अपने सदर मंसूर खान और मुफ्ती वसीम अशरफ से भी तौबा करवा दे, वरना तुम तीनों जनाजे के लिए तरस जाओगे। जैसी बात का जिक्र किया गया है, वही जिसके बाद कौसर हसन मजीदी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और पत्र की जांच में जुट गई। बाबूपुरवा क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद पत्र को कब्जे में लेकर पढ़वाया गया है, जिसमें धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, मगर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मौलाना जी, आपका क्या नाम है और आज क्या? मेरा नाम सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट है और मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हूँ। हम लोग पिछले कई महीनों से PFI को प्रतिबंधित करने की राष्ट्रव्यापी तहरीक चला रहे हैं, तो इससे PFI के लोग बड़ा नाराज हैं, क्रोधित हैं। और उसी क्रम में एक चिट्ठी जो हमारे पास आई है, उसमें प्रेषक का नाम कमाल खान PFI लिखा हुआ है, और उसने जो लिखा हुआ उसका सारांश ये है कि तुम लोग जो कारकर्दगी कर रहे हो, जो कार्रवाई कर रहे हो, PFI के खिलाफ मिशन चला रहे हो, ये तुमने गुनाह किया है, इस गुनाह से तौबा करो, और नहीं तो जो काम गद्दारों का जो अंजाम होता है वही तुम्हारा भी अंजाम होगा, यानी सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, और तुम भी तौबा करो और तुम्हारे जो मीर वसीम अशरफ और मंसूर खान है इनसे भी तौबा करवाओ। ये खत कब मिला है आपको? ये मैं जब कचहरी से लौट करके आया, मैं अपने घर पर करीब 4:30 बजे होगा तो मैं आया। मेरे ऑफिस में मैंने यहीं पे अपना सामान रखता हूँ, बैग वगैरह, बैग रखा, वहीं पे चिट्ठी रखी हुई थी। मैंने चिट्ठी को पढ़ा और उसके बाद तुरंत जो है मैंने डायल 112 पे सूचना दी। चिट्ठी किस माध्यम से आई है आपके पास? बाई पोस्ट चिट्ठी आई है। बाई पोस्ट चिट्ठी आई है, और आप इसकी सूचना किसी को दी है? हमने जो है 112 पे सूचना दे दी है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अब पुलिस, अब जो पुलिस का ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। पहले कोई धमकी आई हो? फेसबुक वगैरह पर धमकियां बराबर आ रही थी, फेसबुक और ट्विटर पर लोगों ने बराबर धमकियां दी। लेटर में एक पत्र का जिक्र है, कोई पुतला उतना जलाया गया किसी का, क्या है पूरा? हम लोगों ने नवंबर के महीने में शिक्षक पार्क में एक धरना किया था सरवर चिश्ती के खिलाफ। सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम है। उन्होंने कहा था कि जो लोग PFI का समर्थन कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो पिंप हैं,
और गोदी मीडिया की गोद में बैठे हुए दलाल हैं। तो इसके बिना पर हमने कहा उन लोगों उनसे कहा कि आप माफ़ी मांगिए, और इसी पे हमने उनका धरना प्रदर्शन किया था और उनका पुतला दहन किया गया था। ये कौन थे इनका पुतला दहन किया गया? ये अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम हैं, सरवर चिश्ती नाम है, और ये PFI के सपोर्टर हैं। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अजमेर शरीफ में तकरीबन 4,500 खुद्दाम हजरात हैं, मुकद्दस पवित्र खुद्दाम हजरात हैं। उनमें से कोई भी PFI का समर्थन नहीं करता सिवाय सरवर चिश्ती के, और कोई उनका PFI का समर्थन नहीं करता। पूर्व में थाना जोही पर मुकदमा अपराध संख्या 13/20 दर्ज किया गया था, जिसमें सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्र प्रवक्ता और संगठन प्रभारी के द्वारा FIR कराई गई थी। उनको कुछ सोशल मीडिया के थ्रू दरगाह शरीफ के चिश्ती के द्वारा कुछ कमेंट किए गए थे। इसी क्रम में आज उनको एक उर्दू में एक लेटर प्राप्त हुआ, जिसका हमने अनुवाद कराया है। उसमें देखा कि उनको कुछ धमकी भरा लेटर भेजा गया है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, और इस संबंध में उनके द्वारा FIR का हम लोग वेट कर रहे हैं। और इसी कंसर्न में थाना जूही के द्वारा उनके यहाँ पर पुलिस बल लगा दिया गया है उनकी सुरक्षा के लिए। जो भी ये पत्र आया उसके बारे में जानकारी मिली कहाँ से? हाँ, इस संबंध में अभी जाँच की जा रही है कि वो पत्र कहाँ से किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ये जाँच का विषय है।